रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ होते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आभार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे। चक
भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह महाप्रथम रेख जग मोरी हिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी कथा सुनी दे ही कोरी ए ते हूँ पर करी हाही जय संका मोहिते अधिकते जड़ मति रंका कभी न हो नहीं चतुर कहावं मति अनुरूप राम गुण कहा रघुपति के चरित पारा कहमति मोरी निरत संतारा कथा मन अति कदराई सबल साहिब रघु
राही बुध पर नहीं हरि जस रस जानी कद ही पुनीत सुफल निज बानी तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहीं हऊ नाई राम पद माथा मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई अति अपार जे सरित बल जो नृप से तु कराही चढ़ी पिपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पार रही जाही एही प्रकार बल मनहिं देखाई करिहौं रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कली के कभी न करौं परनामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा जे प्राकत कवि परम सयाने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने भय जे अहि जे होइ हहि आगे प्रणबौ सब ही कपट सब त्यागे हो प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनिति सन्मानु जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही सो श्रम बादी बाल कवि करही कीरति भनिति भूति भली सोई सुर सर सम सब कहित होई राम सुकीरति भनित भदेसा अस मंजस अस मोहि आदेसा तुम्हुरी कृपा सुलभ सुमोरे सियनि सुहावनि टाट पटोरे सरल कबित कीरति बिमल सोई आदर ही सुजान सहज बयर बिसराई त्रिपू जो सुनि कर ही बखान सो न होई
बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर करहु कृपा हरि जस कहूं पुनि पुनि कर उनि होर कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजुमरा बाल विनय सुनि सुरचि लखी मो पर हो कृपाल बंदउ मुनि पद कंज रामायण जहि निरमय सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित बंदम चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस जिनहि न सपने हुखे वरनत रघुबर बिसर जस बंदउ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जह संत सुदास सिधे प्रगटे खल विषवारुणी विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहौ कर जोरि होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिवेका गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी के कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू उमेश मोहि पर अनुकूला करी कथा मुद मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ
बनती मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मन सुराती, जे यही कथही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता। होई हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपने साचे हूँ मोही पर जौहर गौरी पसा, तो फुर हो जो कहे सब भाषा बनी से प्रभा, बंदम अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न तोरी, निंदक अग ओग न जाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदौ कौशल्यादिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करउ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमावधि राम पितु माता, बंदम अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दया प्रिय तनु त्रिन इव परिहरेउ, रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात
तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं। भगत मुनि नारद जे मुनि भर
मनोहर दो वरन विलोचन जन जिया जो
श्री रघुबर नाम के बरन विराजत न। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई सौपाधि अकथ अनादि सुसा मुझे साधि को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेदु समुझी अही साधु देखी अही तलगतन परही पहचाने सुमिरी अनाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने नाम
सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हहुं किए मन मी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जेहि जुग निज बस निज भूते प्रौढ़ सुजन जनि जान ही जन की कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखिए पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार राम भगत हित नर तनु धारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत हो ही मुद मंगल वासा राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीनी विबाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलै नाम जिमि रबिनि सिनासा भंजेउ राम आपु भव चाकू भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निसिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित
राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सब को नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरिद विराजे राम भालु कपि कट कुबटोरा सेतु हेतु श्रम कीन थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही राम सकुल रन रावनु सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी